नमस्कार जी, प्रधानमंत्री जी नमस्कार, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर और मेघवाल जी, प्रहलाद जोशी जी, सिंह हम भगवंत मान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा संगरूर से, पंजाब से। तो बड़ा सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद कि आपने सभी दलों की मीटिंग में सभी को बराबर का मौका मिल रहा है बोलने का। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, अपने अपनी क्षेत्र की और अपने पार्टियों की तरफ से व्यूज आ रहे हैं। सबसे जो ऑलमोस्ट सभी वक्ताओं ने इस बात को प्रेफर किया है, इस बात का जिक्र किया है, जो खेती के कानूनों का जो आंदोलन है किसानों का, वो बहुत जन आंदोलन बन चुका है। और 26 जनवरी को जो लाल किला पर हुआ, उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की। और मैं क्योंकि राजनाथ जी आप जय जवान और जय किसान का प्रॉपर मैं कहता हूँ रिप्रेजेंट करते हैं, जवानों के डिफेंस मिनिस्टर हैं और खुद किसान परिवार से आप आते हैं, तो उस दिन जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पूरे आंदोलन को उसके साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जो मैं कहता हूँ जो असली किसान है, उन्होंने वही रूट फॉलो किया जो रूट दिल्ली पुलिस द्वारा बनाया गया था, और वो शांतिपूर्वक अपने ट्रैक्टर मार्च करके वापस वहीं पे चले गए। तो कुछ जो इधर दिल्ली की तरफ आए, कैसे आए उनको, हालांकि आम दिनों में भी लाल किला जो है वहां पे बहुत सिक्योरिटी टाइट होती है, लेकिन 26 जनवरी का विशेष दिन, उस दिन लाल किला जैसे लग रहा था कि लावारिस पड़ा है, तो कैसे वो आए, कैसे उनको अलाउ किया गया, जो भी उन्होंने काम किया, तिरंगे का अपमान हुआ, तो मतलब ये कोई भी जो सेंसिबल आदमी है, जो देश का सच्चा देशभक्त है, राष्ट्रवादी है, तो वो तो इस घटना की निंदा ही करेगा, हम भी निंदा करते हैं। और पर उसके आड़ में कुछ जो जो लोग वहां पे आए ही नहीं, उन पर भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो जैसे कि गुलाम नबी आजाद साहब भी बोल रहे थे, इससे क्या होगा, इससे और भड़काहट होगी। और वो देश का अन्नदाता है, किसान है, वो 2 महीने से वहां पे बैठा है बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर्स पर। हालांकि बातचीत उनके साथ चलती रही, 11 दौर की बातचीत भी हुई, तो इसका मतलब ये है कि बातचीत चल रही है, उसमें प्रस्ताव भी रखे गए गवर्नमेंट की तरफ से कि हम 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देंगे, अमेंडमेंट्स कर देंगे, कानूनी गारंटी MSP की देंगे, लेकिन नई बात बनी। तो मैं एक सबसे पहले यही आग्रह करना चाहता हूं कि लोकसभा के सेशन में इससे बड़ा देश के अन्नदाताओं को कोई गिफ्ट नहीं होगा, तोहफा नहीं होगा, कि अगर आप इन कानूनों को वापस लेने के लिए कोई बिल लेके आए, ऑर्डिनेंस लेके आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जितना इंटरफेयर करना था वो कर चुके हैं, और क्योंकि पार्लियामेंट में बिल बने थे तो पार्लियामेंट वापस कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर उनको पहले इतनी बातचीत बिल लाने के पहले की होती तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते, लेकिन अब अगर जो है उनके मन में ये है कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है, तो आप कृपया इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल लाकर, उससे बड़ा कोई तोहफा नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रैक्टर जो जिनका मुंह अब दिल्ली की तरफ है, उनका मुंह अपने अपने खेतों की तरफ हो सकता है, वापस जा सकते हैं वो, आपके एक छोटे से इतनी सहानुभूति अगर आप दिखाएं, अपने भारत देश का नाम भी इस बात से रोशन होगा कि हाँ वहां वाकई लोकतंत्र है। अगर लोगों को कोई कानून पसंद नहीं है तो सरकार उसका संज्ञान लेती है। जहां तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है, मैं तो 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं, और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए, और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं
कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं, आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्द में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए, और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इसका समाधान बातचीत से होना चाहिए।